नसीबुल्ला भाई पूछते हैं, अमीन सफदर ओकाड़वी साहब के बारे में मुख्तसर कुछ फरमाएं। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज, रईसुल मुनाज़रीन, हज़ारों उलमा इकराम के उस्ताद हैं और उन्होंने दीन में वो तजदीद का काम किया है कि रहती दुनिया तक उन्हें सलाम पेश किया जाएगा। आज हमारे 8 लाख से ऊपर कुछ फॉलोवर्स और लाइक्स मिलाकर बंदे बनते हैं पेज पर। मेरी बयान, मेरी गुफ्तगू की मरहून मिन्नत दलाइल, जहाँ मेरे और असाज़े कराम हैं, वहाँ हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़रीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। हमने उन्हीं से सीखा है किस तरह साफ गोई, किस तरह दलाइल समझाना है। हज़रत ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इतनी तरतीब से गुफ्तगू फरमाई है, मिर्ज़ाइत की मीम से लेकर ममातियत की मीम तक एक एक आहले बातिल आहले कुफर को उन्होंने खामोश कराया है। और वो दलाइल फरमाए हैं, वो दलाइल इस तरह समझाए हैं कि रहती दुनिया तक उसे उम्मत मुस्लिमा सलाम पेश करेगी। अरब के बहुत बड़े आलिम दीन हैं मौलाना शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह, उन्होंने तो हज़रत ओकाड़वी ख़त लिखा था कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लें। ये अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक उस्मानी साहब दामत बरकातहुम के उस्ताद हैं और उनको कहा था कि ए मोहम्मद तकी, अगर आप सेब होते तो मैं तुम्हें खा लेता। यानी इतना इस उस्ताद शागिर्द का प्यार है। और वो बंदा इनको अपनी शागिर्दी में शामिल होने के लिए कहते हैं, मेरी शागिर्दी में, मुझे अपनी शागिर्दी में शामिल फरमाएं। तो मौलाना अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा जैसा बंदा इसे कह रहा है तो आलम अरब आलम अजम के इमाम है मौलाना। मिर्ज़ा के लिए थे हर जाए के लिए थे, मिर्ज़ा के लिए थे हर जाए के लिए थे, वो मौत का जख्म उलमा दे उबद कर, उलमा दे बंद, उलमा दे